मैं किरण और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। मीरजापुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर शौचालय में गुमशुदा व्यक्ति का शव मिलने पर जान से मारने के नियत से पुलिस ने मारपीट कर घायल करने के अभियोग से संबंधित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताते चले जनपद मीरजापुर के थाना जमालपुर पर 6 अक्टूबर 2022 को श्याम सुंदर गौड़ पुत्र रामलाल गौड़ निवास अलीनगर थाना अलीनगर जनपद चंदौली द्वारा लिखित तहरीर के बावजूद अपने भाई रविंद्र के घर के पीछे बाउंड्री के अंदर शौचालय में गुमशुदा व्यक्ति संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय बाड़ू निवासी जयपति कला थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर का शव मिलने पर मृतक के पुत्र विजेंद्र व वहां उपस्थित भीड़ द्वारा उग्र होकर रविंद्र के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया गया। उसके संबंध में थाना जमालपुर पर धारा 307, 323 व 147 भारतीय दंड विधान बनाम शंकर पुत्र बुल्लन आदि 15 नामजद तथा 40 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों को यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक जमालपुर को निर्देश दिया। निर्देश के अनुक्रम में उप निरीक्षक नसीम खान द्वारा उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शंकर पुत्र बुल्लन व राकेश कुमार पुत्र सरजू प्रसाद निवासी गण जयपति थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। वहीं घटना का सफल अनावरण करते हुए गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। जी हां, आपको बता दें हत्या और मारपीट कर घायल करने की घटना का सफल अनावरण करने के बावजूद एसपी मिर्जापुर ने क्या कहा, देखिए मिर्जापुर से अन्नपूर्णा श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। मैं परसों एक व्यक्ति की हत्या की बात आई थी, इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, रविंद्र प्रसाद को। उसके बाद इसमें खुलासे के लिए, इसको एग्जैक्ट वर्कआउट कराने के लिए टीमों का गठन किया गया था एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में। इस घटना का पूरा एग्जैक्ट खुलासा किया गया है। इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें रविंद्र गौड़, उसका लड़का गौतम गौड़ और मरने वाला जो मृतक है उसकी बेटी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये तथ्य निकल के आए हैं कि जो इसमें मारने वाला हत्यारा था रविंद्र प्रसाद, उसके इस युवती के साथ में संबंध थे कुछ सालों से, और इस युवती के द्वारा ही जब इसकी शादी कहीं और तय कर दी गई थी इसके पिता के द्वारा, तो उसके प्रेरित करने पे रविंद्र गौड़ द्वारा ये हत्या कारित की गई। और उसके बाद अपने लड़के गौतम गौड़ के साथ मिलके उसकी जो बॉडी थी उसको छुपाया गया था। पुलिस के द्वारा बॉडी को बरामद किया गया है और जो आला कतल था रॉड उसको भी बरामद कर लिया गया है, एवं अन्य भी साक्ष्य मिले हैं, और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घटना को वर्कआउट कराने वाली हमारी टीम को 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत किया। सर, बरामद कहां से हुआ बॉडी? ये बरामद हुआ है उसके घर से ही, जब जहां पे हत्या कारित की थी। जैसे मैंने बताया कि रविंदर गौड़ और गौतम गौड़ के द्वारा इस बॉडी को छुपाया गया था, और उसका जो मोटिव था, मोटिव इस युवती के साथ में गलत संबंध होना, और इस युवती के को प्रेरित करने के बाद, प्लानिंग करने के उपरांत इस रविंद्र गौड़ के द्वारा यह हत्या कारित की गई थी। बाद में लाश को छुपा दिया गया था। इस घटना की प्लानिंग और जो एविडेंस थे उनको नष्ट करने के आरोप में भी गिरफ्तारियां की गई है, और 300 लोगों के मामले में भी इसमें रविंद्र गौड़ की ऑलरेडी पहले ही गिरफ्तार करके उसका इलाज चल रहा था रॉड के द्वारा। इसको लोहे का जो रॉड था उससे मार के रविंद्र गौड़ ने ये हत्या कारित की है। ये जो मृतक है रविंद्र गौड़ के साथ इसकी अच्छी दोस्ती थी, घर पे आना जाना था, और अपने दोस्त की ही बेटी के साथ में इसने गलत संबंध बना लिया था, और बेटी की प्लानिंग के उपरांत इस घटना को कारित किया है लोहे के रॉड के साथ में, और वो लोहे का रॉड भी उसको ही बरामद कर दिया गया। फिर के न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं सोनभद्र की ओर। यहाँ पर बुद्धि कल्याण निधि समिति द्वारा अधिवक्ता के नामनी को दिया गया सांत्वना राशि 50,000 का चेक। जी हाँ, आपको बता दें कि अधिवक्ता स्वर्गीय मदन लाल चौहान के निवास मुर्दवा में बुद्धि और रेणु को के अधिवक्ताओं ने पहुंचकर बुद्धि कल्याण निधि समिति द्वारा मृतक अधिवक्ता के नामनी को दी जाने वाली सांत्वना राशि 50,000 रुपए का चेक बुद्धि कल्याण निधि समिति द्वारा मृतक अधिवक्ता के पत्नी को सौंपा। देखिए सोनभद्र से अनुप श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। नमस्ते सर।